महाभारत में कई घटनाएं संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या फिर धृष्टद्युम्न हो या फिर शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आज भी महाभारत कालीन लाक्षाग्रह स्थापित है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षाग्रह कहा गया। ये लाख तेजी से आग पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी। इसमें सबसे अहम भूमिका थी विदुर जी की। विदुर जी की ही मदद से महल के नीचे एक सुरंग खुदवा दी गई थी और पांडव रात को ही उस गुप्त सुरंग से बच निकले थे। ये सुरंग आज भी है, जो बागपत जिले की बड़ौद तहसील में बरनावा गांव में है। हिडन नदी के किनारे पर यह सुरंग आज भी मौजूद है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा गांव में पाए जाते हैं, जिसे बरनावा या फिर वारणावत भी कहा जाता है। मेरठ से 35 किलोमीटर और सरदना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षाग्रह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षाग्रह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान में नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडम्बा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दिमापुर में देखी जा सकती हैं। जब पांचों पांडव कुंती के साथ वारणावत पहुंचे तो पुरोचन उनका स्वागत कर अपने हाथों द्वारा बनाया गया भवन दिखता है। कुंती आने वाले खतरे से अनजान थी, लेकिन पांचों पांडवों को यह ज्ञात हो गया था कि इस भवन में आग जरूर लगेगी। इसलिए विदुर जी की सलाह पर युधिष्ठिर ने आग से बचने के लिए बिल खोदने का फैसला किया। लेकिन इस बात की किसी को भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने एक अनुभवी सुरंग खोदने वाले की खोज करना शुरू करा। तभी वहां वारणावत के मंत्री युधिष्ठिर के दर्शन करने आते हैं। साथ ही एक खनिक भी आया, जिसे देखकर युधिष्ठिर समझ गया कि ये खनिक काका विदुर द्वारा भेजा गया है। उस खनिक ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सुरंग खोदने लगा। पांडव वारणावत का भ्रमण करने का बहाना कर सुरंग का परीक्षण करते हैं। यह हस्तिनापुर में दुर्योधन और शकुनी बहुत खुश हैं और इंतजार कर रहे थे कि पांचों पांडव और कुंती जलकर मर जाने की खबर कब आएगी। वहीं विदुर को भी इस बात की खबर मिलती है कि अमावस की रात को पुरोचन लाक्षाग्रह में आग लगाएगा। विदुर जी ये समाचार युधिष्ठिर तक पहुंचा देते हैं और आदेश देते हैं युधिष्ठिर अपने भाइयों और माँ कुंती के साथ अमावस की रात के पहले ही दिन में ही वहां से निकल जाए। उधर अर्जुन भी खनिक के पास यह संदेश लेकर जाते हैं और दो दिन में सुरंग तैयार करने को कहते हैं। अमावस की रात से पहले की रात उस खनिक ने अपना काम पूरा कर दिया था और सुरंग का द्वार युधिष्ठिर के कक्ष में खोल दिया था। शकुनी पांडव और कुंती की मृत्यु की खबर दुर्योधन को दे देता है। साथ ही दुर्योधन को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाकर खुश होता है। फिर शकुनी यही समाचार लेकर धृतराष्ट्र के पास जाता है, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धृतराष्ट्र को यही लगता है पांचों पांडवों को मारने का षडयंत्र शकुनी ने रचा है, और क्रोधित होकर वो शकुनी को वहां से जाने का आदेश देता है। धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों पांचों पांडव और कुंती की मृत्यु पर शोक जताते हैं और ये समाचार तातश्री भीष्म को देते हैं, जिसे सुनकर वो शोक में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का इस जगह को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।